राधे राधे दोस्तों, आपको भी ऐसी वीडियो बनानी है जो मैंने आपको दिखा रखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसी कार्टून वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है और आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतनी ज़्यादा वायरल होती है। यूट्यूब पे ऐसी कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से एक ट्रिक लेके आए हैं, बहुत ही आसानी से ऐसी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। आपको करना क्या है वो सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वीडियो को बनाना कैसे, एडिटिंग कैसे करनी है और ऐसे कार्टून वीडियो को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखो कुछ इस टाइप का वीडियो है और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप इस टाइप के वीडियो को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देखो आप इस टाइप के वीडियो को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपको बताने वाले हैं कि ऐसे वीडियोस को आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे इनकी बेटी आती है, कोई बातचीत करती है, आपको ऐसी वीडियो को कैसे बनाना है और कैसे एडिटिंग करनी है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपको ऐसी एनिमेशन कार्टून को कैसे बनाना है वो सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने इसको वीडियो को बनाया है ग्रीन स्क्रीन से, तो आपको कैसे बनाना है वो आपको बताएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने तो एक नॉर्मल सी वीडियो को यूज़ किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मैंने क्या किया, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके एडिटिंग की स्टार्टिंग की है। तो आपको क्या करना, आपको भी ऐसी वीडियो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो आपको क्या करना, यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे यहाँ पे सर्च करना है। यूट्यूब पे आपको बहुत ही आसानी से एक चैनल देखने को मिलेगा कार्टून मेकर के नाम से, ये चैनल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये भाई साहब हैं, सिर्फ कार्टून वीडियो देते हैं वो भी फ्री में और ग्रीन स्क्रीन में, ताकि आप यूज कर सकते हैं इनके वीडियो को। इन्होंने कार्टून एक्टर जो होते हैं कार्टून ग्रीन स्क्रीन में सब कुछ एक्टर दिया है और आपको बस एडिटिंग करनी है अच्छे से। अगर आप अच्छे से एडिटिंग करते हैं तो 100% बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो में ही देखेंगे तभी ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगी देखने को। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एनिमेशन दिया है, कुछ इस टाइप का ये एनिमेशन दिया है जो मैंने यूज किया है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का एनिमेशन दिया है। यहाँ पर वाला ये राजा वाला एनिमेशन दिया है और ये वाइफ हस्बैंड वाला एनिमेशन दिया, ये स्टूडेंट पढ़ रही है एनिमेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर ये एनिमेशन दिया, ये डाकू वाला एनिमेशन है, और यहाँ पे गाय और गाय के बछड़े का एनिमेशन है, यहाँ पे पढ़ाई का भी एनिमेशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पे और भी एनिमेशन बहुत से हैं जो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से हैं। आप इन एनिमेशन को यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। तो आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो को डाउनलोड करके रखा और मैं डाउनलोड करना यहाँ से नहीं बता सकती क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। आप बहुत ही आसानी से ऐसी वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एडिटिंग कैसे करनी है, बहुत ही आसानी से आप एडिटिंग करना सीखिए, बहुत ही अच्छे से एडिटिंग कीजिएगा तभी आपका चैनल जो है मोनेटाइज होगा। अपनी वॉइस कीजिएगा, अपनी ही वॉइस कीजिएगा। वो कैसे करनी है, अपनी ही सिर्फ काइंड मास्टर से आपको बताएंगे कि अपनी ही वॉइस को एक वुमेन वॉइस में कन्वर्ट कैसे करना है, एक किड्स वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। अपनी वॉइस को ही, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, किसी भी वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया। आप क्या करना, आपको एडिटिंग करना है तो मैं काइन मास्टर से एडिटिंग करूँगी। आप जिस ऐप से करना चाहते तो आप कर सकते हैं और मैं काइन मास्टर से एडिटिंग करना बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर को ओपन किया और काइन मास्टर को ओपन करने के बाद में क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे 16:9 रेशियो को सेलेक्ट करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बस वही वीडियो की एडिटिंग करनी है, वो भी अच्छी तरीके से। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से एक बैकग्राउंड लेना है जिस कलर का आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने किसी भी कलर का बैकग्राउंड लेना है, जैसे मैं ये बैकग्राउंड लेती हूँ लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं है। तो यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन मिलता है ये वाला, और यहाँ से बहुत से कलर मिल जाते हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर नहीं भी अच्छे कलर हैं यहाँ पे तो यहाँ पे सर्कल बना, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ना अपने आप से बना सकते हैं। आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हैं, जैसे मैं ये बैकग्राउंड बनाती हूँ और ये बैकग्राउंड में बनाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको मैंने इसको बड़ा करना, इतना बड़ा, जितना बड़ा आप करना चाहेंगे, जितनी बड़ी आपकी वीडियो है और आप एनिमेशन जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, अपनी जितनी बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं वैसा उतना बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाता है, इस टाइप से बड़ा कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे बड़ा कर लीजिएगा। तो मैं इसको बड़ा करती हूँ, ऐसे बड़ा कर लीजिएगा,
यहाँ पे, तो इतना बड़ा ये हो चुका है। आप क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपको वो वीडियो डाउनलोड करनी है जो भी आपको बनाना है, ठीक है। आपको ग्रीन स्क्रीन के वीडियो बहुत से मिल जाएंगे, आप किसी भी वीडियो को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये वीडियो ली, ओके पे क्लिक किया, तो ये वीडियो हमारी जो है यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो आ गई, तो नीचे की तरफ जाना है आपको और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का, और यहाँ पे इसको फुल पे कर देना है, फुल पर, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबी है और मेरा बैकग्राउंड छोटा है, इसको बड़ा कर लीजिएगा और भी, और ऐसे बड़ा करेंगे तो काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड हो जाएगा, जितनी बड़ी, जैसे मैंने इतना बड़ा वीडियो है तो इतना बड़ा बैकग्राउंड हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन को हटाना है, तो वो कैसे हटाना है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा की का, यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक किया और इसको इनेबल कर देना है आपको, इसको इनेबल कर देना। जैसे ही इनेबल करते हो तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड आपका हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे 28% है ये वाला, इसको थोड़ा सा इस टाइप से कर दीजिएगा 41%, ठीक है, और इस टाइप से इसको कर दीजिएगा 50 तक। ओके, 50 भी नहीं तो थोड़ा कम रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ओके, अब आपका ये घर हो गया, घर की जिस टाइप से घर है ये उस टाइप से हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, एडिटिंग भी बहुत ही मायने रखती है, अच्छे से आपको एडिटिंग करनी है। और यहाँ पे क्या है, इनकी बेटी आती है, यहाँ पे बेटी आती है, 20 सेकंड पे बेटी आती है इनकी, और यहाँ से आपको अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रिम स्प्लिट पे क्लिक करना, आपको स्प्लिट कर देना है। ओके, इनकी बेटी यहाँ पे आती है, यहाँ पे इनके पापा आ जाते हैं यहाँ तक, तो इनकी बेटी जैसे ही इनके पापा आते हैं तो वैसे यहाँ पे क्या करना, स्प्लिट कर देना है। अब इनके पापा थोड़ी देर बातचीत करते हैं इससे, और यहाँ पे जैसे ही ये आती है इस टाइप से, जैसे ही आती है स्प्लिट कर दीजिएगा, और जैसे ही ये फिर से आती है स्प्लिट कर दीजिएगा, और जैसे ही ये यहाँ पे आते हैं, ये गए और ये तीनों यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ये बातें कर रहे होते हैं, तो आगे भी ये बातें कर रहे होते हैं, तो जिस टाइप से ये बैठी होती है या कहीं भी बैठी हो, तो यहाँ का बैकग्राउंड भी आपको चेंज करना है, स्प्लिट करना है। ओके, यहाँ पे स्प्लिट करोगे तो नीचे की तरफ और जाना है, स्प्लिट करना है यहाँ पे, और कुछ इस टाइप से आगे और बात करेगी ये, और आपको इस टाइप से ये स्प्लिट करना है। ओके, और इसकी बातचीत जैसे ही पूरी होती है आपको स्प्लिट करना है, आपको स्प्लिट करना है। ओके, और ये फिर से बातचीत करने लग जाती है, और यहाँ पे अभी आपको बहुत ही अच्छी वीडियो को एडिटिंग बनाना बताएंगे, बहुत ही अच्छा एनिमेशन है, आप बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसे किया है, इसको स्प्लिट किया है। अब आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड आपको कहाँ से लाना है, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से मायने रखता है, आपको बैकग्राउंड कहाँ पर मिलेगा, जो पीछे आप बैकग्राउंड लगाएंगे वो कहाँ पर मिलेगा वो आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे जाना है यहाँ से, और एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऐप है वहाँ पर, एक ऐप है इमेज सर्च, जो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमेज सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्टून हाउस इमेज, ओके, या कार्टून हाउस बैकग्राउंड, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च कर लेना है, और आपको यहाँ पे बहुत से जो हाउस वाले हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको मैंने क्लिक किया, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे कोई भी अच्छा लगता है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसको भी मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, तो यहाँ पे 2-3 को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, और अपनी वीडियो में इनको यूज करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे फिर से काइन मास्टर में आ जाना है, यहाँ पे काइन मास्टर में आ जाना है कुछ इस टाइप से,
दोस्तों आपको काइन मास्टर में आ जाना है। यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड है वह डाउनलोड हो गया है, तो यहाँ पे क्या क्लिक करना है, यहाँ से ये माता पिता इसके बात कर रहे हैं, यहाँ से ये जो लड़की है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ इस वाले पे क्लिक करके आपको क्या करना है, रिप्लेस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिप्लेस है और रिप्लेस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे जो आपने बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखे हैं वो यहाँ पे हैं। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ और ये मेरा हो गया है अप्लाई। और कुछ इस टाइप से अगर आपको अच्छा नहीं ये लग रहा है तो रिप्लेस पे क्लिक करके आपको फिर से इस पे क्लिक करना है दूसरे वाले पे। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रिप्लेस पे क्लिक करके और भी यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लग रहा है लेकिन ये फुल पूरे में अप्लाई नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पैन एंड जूम का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे इसको इक्वल वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे और इसको फुल पर्दे में कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी ये बात कर रहे हैं कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड में बात कर रही है, अब इसके पापा कुछ इस टाइप से बैठे हुए हैं और ये है इसका बैकग्राउंड, इसी टाइप का फिर से करना है। यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको इस वाले पे क्लिक कर देना है और फिर से पैन एंड जूम पे क्लिक करना है, इक्वल वाले पे क्लिक करना है, फिर से इसको फुल पर्दे में कर देना है। ओके, तो आपका इतना हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इसके फिर से पापा आ जाते हैं और ये लोग है ना यहाँ पे अगर बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं, नहीं तो जो बैकग्राउंड आपका होता है जैसे ये वाला भी यहाँ से ट्रिम करके यहाँ से जैसे इनके पापा आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना ट्रिम स्प्लिट पे क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। और ये वाला जो बैकग्राउंड है आपको ये वाला जो है और यहाँ पे ये वाला जो रख लेना है, ये जो पहले रखा था, ठीक है। तो या इस टाइप से यहाँ पे बातें करते हैं और ये जैसे ही अकेले बात करती है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से रिप्लेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने डाउनलोड करके रखा था बैकग्राउंड यहाँ पे फिर से लगा देना है, इसको पैन एंड जूम करके इसको फुल पर्दे में कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे इनको फिर से बैकग्राउंड चेंज करना है यहाँ पे, और कोई अलग भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं जिस टाइप से ये बातें करेंगे, कहीं घूमने जाते हैं या कहीं दूसरी जगह बैठते हैं तो उस टाइप से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई और भी बैकग्राउंड लगाना है, जैसे ये दूसरी जगह बैठ जाती है तो इस टाइप से ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लड़की है और इसकी माँ है, तो इस टाइप से यहाँ पे भी आ सकते हैं ये लोग। इतनी एडिटिंग हो जाती है और आपको बताएंगे कि आपको वॉइस कैसे करनी, जैसे आप यहाँ से बातचीत कर रहे हैं और आप अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इमेज सर्च से, जैसा भी आप बोलेंगे वैसा बैकग्राउंड वहाँ पर आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कार्टून बैकग्राउंड तो वहाँ पर कार्टून बैकग्राउंड मिल जाएंगे बहुत से, और आप वहाँ से कार्टून बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी वीडियो को बना सकते हैं। यहाँ पे अगर ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा बैकग्राउंड पे और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप कोई और बैकग्राउंड रख सकते हैं, इस कलर का भी रख सकते हैं। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस कलर का भी रख सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इस कलर का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा तो यहाँ पे इनसे भी कोई बैकग्राउंड आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड भी आप रख सकते हैं लेकिन ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा ही बैकग्राउंड अच्छा लगेगा क्योंकि एक अलग बात हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड ही रखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे कुछ भी आपको वॉइस करनी है, जो भी अपनी वाइफ से ये बोल रहा है, कल आपका बर्थडे है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे अपनी वॉइस कर सकते हैं। तो मेरी तो एक लेडीज़ की आवाज़ है तो यहाँ पे लेडीज़ की आवाज़ है और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी भी लेडीज़ की आवाज़ करने की। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मिक्सर पे क्लिक करना है, इसकी वॉइस को यहाँ पे इस टाइप से कर देना है 200% और इसको ऑटो वॉल्यूम कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा देना है और यहाँ से एक कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे फिर से आपको बोलना है और अभी ये लेडीज़ ही बोलेगी, अभी जैसे ही यहाँ से लेडीज़ बोलेगी तो यहाँ पर लेडीज़ की आवाज़, यहाँ से जैसे ही ये बोलना स्टार्ट करता है, यहाँ से ये बोलना स्टार्ट करते हैं, हाँ कल मेरा बर्थडे है, आप क्या गिफ्ट दे रही हो मुझे,
जल्दी से बताओ और बेटी कहाँ है। तो इस टाइप से यहाँ पे बोला और मेरी एक लेडीज़ की आवाज़ है, तो यहाँ पे क्या करना है, मिक्सर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से ऑटो वॉल्यूम करना है, इसको हटाना है और यहाँ पे वॉइस चेंजर पे जाना है। एक वॉइस चेंजर एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे आपको कर देना है मैन। तो मैन की आवाज़ यहाँ पे आएगी, देखो ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे इसकी देखो और भी बातचीत करेंगे जो भी आप सोचे। तो यहाँ पे इसकी लड़की आ जाती है, ये भी कुछ बोलेगी, तो यहाँ पे आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है, यहाँ पे जो भी वॉइस है वो रिकॉर्ड कर लेनी है आपको। तो यहाँ पे आपकी जैसे ही वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, थोड़ी सी वॉइस ये बोलती है वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है, फिर इसके पापा बोलते हैं, तो इतना कर लेना है आपको बोलना है। अब क्या करना है, वॉइस चेंजर पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे किड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बच्चे की वॉइस में आपकी वॉइस कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेन की वॉइस में कर सकते हो, यहाँ पे वुमेन की वॉइस में कर सकते हो, बच्चे की वॉइस में कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप की अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। तो इतना आपका हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो इनकी ओरिजिनल वीडियो है और यहाँ पे वीडियो वाले पे यहाँ पे एक म्यूजिक सुनाई दे रही होगी आपको, इनकी म्यूजिक की जो वॉइस है आपको म्यूट करना है। यहाँ वीडियो पे क्लिक किया मैंने, मिक्सर वाले पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे इसको 0% कर देना है ठीक है। तो यहाँ पे 0% कर देना है तो इनकी जो ये जो म्यूजिक की आवाज़ है नहीं आएगी ओके। तो यहाँ पे लड़की बोले, इसके पापा बोले, और यहाँ पे जैसे ही इतनी सी वॉइस कर लेना, उसके बाद ये वॉइस करना और रिकॉर्ड पे क्लिक करके आपको वॉइस चेंजर पे जाके अपनी वॉइस को अलग अलग टाइप से चेंज कर लेना है। इतना आपको करना, आपकी वीडियो है ना इतनी रेडी हो जाएगी आगे, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे कार्टून वीडियो बन के रेडी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे टॉपिक हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे कार्टून वीडियो बहुत ही अच्छी है और जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको एडिटिंग करनी है, आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और जो भी आप अच्छे से कार्टून बनाएंगे आपकी बहुत जल्दी वीडियो बूस्ट हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।